नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बिहार स्टेट फुल काउंसलिंग डिटेल ऑफ प्राइवेट कॉलेज। बिहार में प्राइवेट कॉलेज की फुल काउंसलिंग के ऊपर में डिस्कस करेंगे, क्या कितने कॉलेज हैं, क्या फीस है, क्या कट ऑफ जाती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन और वीडियोज़ पहुँचते रहेंगे। काउंसलिंग की पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपके रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल और बजट के आधार पर आपको पूरे भारत में कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसका क्या बजट होगा, कॉलेज कैसा होगा, कितना पुराना होगा, कितनी उसकी ओपीडी आईपीडी है, पीजी वहाँ पे यूजी करने से वहाँ पीजी में क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। और आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो, इस तरीके से आपको पूरी काउंसलिंग में गाइड करते हैं और आपके रैंक पर आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट करा के देने की श्योरिटी देते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बिहार जो है, बिहार में कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें से तीन काफ़ी पुराने और काफ़ी नामी कॉलेजेस हैं, जिसमें से दो तो काफ़ी रेप्यूटेड हैं, जैसे किशनगंज माता गुजरी मेडिकल कॉलेज और कटिहार केएमसी, कटिहार मेडिकल कॉलेज बिहार, ये दो बहुत रेप्यूटेड हैं। नारायणा मेडिकल कॉलेज ठीक ठाक है, इसके अलावा एक नारायण मेडिकल कॉलेज है, नया कॉलेज है ये नारायण मेडिकल कॉलेज। एक वहाँ पे है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज, एक है मधुबनी मेडिकल कॉलेज और एक और कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज जो है आरकेडीजे करके आया हुआ है मुजफ्फरपुर में। तो ये कुल कॉलेजेस हैं बिहार में। यहाँ की जो एक पटना में है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज जो है, ये भी नया, ये सारे नए कॉलेज, तीन चार कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं लास्ट के, ये सारे नए हैं। बट बिहार की जो यूएसपी है, वो यूएसपी है कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार और माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज एंड नारायणा को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये तीन मेडिकल कॉलेज बिहार की यूएसपी है। कोई भी स्टूडेंट जो आउटसाइडर है या बिहार का है, अगर वो बिहार में एडमिशन लेना चाहता है तो इन्हीं तीन कॉलेज पे फोकस करें, बिकॉज ये कॉलेजेस जो हैं काफ़ी रेप्यूटेड हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपीडी, फीस, पेशेंट लोड सब कुछ बहुत बढ़िया है। माता गुजरी, किशनगंज और कटिहार तो 35 साल 40 साल पुराने कॉलेजेस हैं, इनकी ओपीडी सरकारी कॉलेजेस जैसे इनकी ओपीडी है, आईपीडी बहुत ही अच्छी है इनकी। फीस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल पैकेज 60-62 लाख रुपये का टोटल पैकेज इन तीनों कॉलेज में है, कटिहार, माता गुजरी किशनगंज और नारायणा। बाकी जो कॉलेजेस हैं जैसे मधुबनी, लॉर्ड बुद्धा या नारायण मेडिकल कॉलेज या जो नेताजी सुभाष हैं, इन सब का बजट 75 के आसपास, 80 के आसपास चला जाता है। तो बट अब वो कॉलेजेस भी इतने रेप्यूटेड नहीं है, इतने पुराने नहीं है, हालांकि नेताजी सुभाष पटना में है, किसी को अगर अच्छा लोकेशन चाहिए तो वो उसको अफोर्ड कर सकता है तो वो वहाँ ले सकता है। बट बिहार की यूएसपी माता गुजरी किशनगंज और कटिहार मेडिकल कॉलेज है। तो इन कॉलेजेस में अगर आपको सीट चाहिए तो आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, 400 और 450 से ऊपर होने चाहिए तो आपको मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज बिहार में 150-200 नंबर पे भी सीट मिल सकता है, जो ये नए कॉलेजेस हैं लॉर्ड बुद्धा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, इन सब में 200-250-150 जो नए कॉलेजेस हैं वहाँ जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी आपको सीट मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दिया है बिहार स्टेट के ऊपर में, कि बिहार में कितने कॉलेजेस हैं, क्या इनकी फीस है, क्या इनकी ओपीडी है, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए। और डिटेल डिस्कशन करने के लिए बिहार स्टेट के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बिहार के सरकारी कॉलेजेस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोज लाते रहेंगे। नमस्कार।